अभी बेटा एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर कुछ टीचर्स आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं। बेटा टेक्स्ट बुक को रखो ना अपनी झोली में, टेक्स्ट बुक तब समझ में आएगी ना आपको जब आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा। क्या आपको पता है कि टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने से हमारा कंसेप्ट जनरेट होगा? कैसे होगा, किस तरीके होगा? तो जब तक आपको सेक्स डिटरमिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, दो पेजेस पे आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा सेक्स डिटरमिनेशन लिखी है, और इसको बेटा आपको एक्सटेंसिव पढ़ना है तभी तो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। यही तो बेटा 12th का और 11th का फायदा होता है कि आपको एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, और जब आप नीट में आते हैं उस टाइम टीचर खाली टेक्स्ट बुक पे फोकस करता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 11th और 12th में जनरेट हुआ होता है। मैं बार बार कहता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट ही आपको बादशाह बनाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फकीर भी नहीं बनोगे। इसलिए बेटा आर्ग्यूमेंट्स मत किया करो, टीचर को पता होती है कि उसको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, उसको आपसे बेटा सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसे मेहरबानी करके बेटा आप पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि वंस आपकी सेक्स डिटरमिनेशन बेटा